या पर वोल्टेज इसका जो अपडेट है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है, एंड या पर इस अपडेट के साथ जो है काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर कस्टम हैप्टिक सेटिंग्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो ब्राइटनेस पैनल है, ब्राइटनेस पैनल के साथ भी यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन है। इवन जो वॉल्यूम पैनल है, वॉल्यूम पैनल के साथ भी आप जो है यहाँ पर हैप्टिक को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो यहाँ पर अलग अलग यूआई के ऊपर जो है हैप्टिक्स को ऐड किया गया है, जो कि काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। एंड इस रोम को हम जो है लगभग 3 डेज से यूज कर रहे हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस रोम के साथ सच में काफी सही है। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं होम स्क्रीन के बारे में, तो कुछ इस तरह से होम स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्मार्ट पिक्सल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इसके साथ जो आपको ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, रिकवरी बूट लोडर एंड सिस्टम यूआई को आप यहां से रिबूट भी कर सकते हो। प्लस मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड लो ब्राइटनेस के साथ भी हमने कोई भी इश्यू को नोटिस नहीं किया है। ऐप ड्रॉअर की अगर बात करें, यहाँ पर ऐप ड्रॉअर के साथ क्विक सेटिंग्स पैनल इवन सेटिंग्स मेनू के साथ कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है इस 3.2 का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस यहाँ पर आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश करना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जी एप्स अवेलेबल नहीं है, ये जो बिल्ड है वेनिला है। तो यहाँ पर वोल्टेज ओएस एंड जी एप्स दोनों का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है, काफी स्मूथ देखने को मिल जाएगा, कोई भी इशू को आप नोटिस नहीं करोगे। प्लस आपको बेटर रैम मैनेजमेंट भी देखने को मिलेगा, बहुत ही फास्ट आप जो है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर स्विच कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो है गैलरी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, डेडिकेटेड गेमिंग मोड अवेलेबल है। एंड यहाँ पर जो जेमिनी एआई भी यहाँ पर काम कर जाएगा, हमने यहाँ पर ट्राई करके देखा है। प्लस एफएम रेडियो का जो फीचर से ऐड किया गया है, सिंपली यहाँ पर जो है हेडफोन को कनेक्ट करके आप जो है एफएम रेडियो को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ, आप जो है यहाँ पर स्पीकर प्लस हेडफोन के साथ जो है डॉल्बी एटमॉस को यूज कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो है MIUI कैमरा एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा, अलग अलग फिल्टर्स का ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड लेंस भी काम कर जाएगा, 1x 2x का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है HDR मोड का ऑप्शन है, ऑटो ऑन ऑफ का फीचर है, AI कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर सुपर मैक्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है स्टेबलेशन का ऑप्शन है, फिल्टर का ऑप्शन है, इवन यहाँ पर 4K 30fps के साथ भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड काम कर जाएगा, नाइट मोड काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर 64 मेगापिक्सल शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, ब्लॉग, यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल वीडियो, ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है MIUI कैमरा एप्लीकेशन के साथ। प्लस यहाँ पर जो है एपर्चर कैमरा एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर फोटो, वीडियो एंड QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन है, तो ऐसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस, शटर साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, सेफ सेल्फी एज प्रीव्यू का ऑप्शन है, एंड वीडियो मिरर करने का जो फीचर से ऐड किया गया है, वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट MIUI कैमरा एंड एपर्चर कैमरा दोनों ही देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बात कर लेते कनेक्टिविटी के मामले में, तो यहाँ पर जो है वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, 4G, 4G प्लस सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। कनेक्टिविटी के रिलेटेड कोई भी इश्यू का हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। एनीवे यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर एंड्रॉयड 14 के साथ जो डिफरेंट डिफरेंट लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर शॉर्टकट को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर कैमरा एंड फ्लैशलाइट को यहाँ पर जो है ऐड किया है। तो इस तरह से सभी फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर्स है काफी यूजफुल है। प्लस यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। एनीवे यहाँ पर जो है ऐप ड्रॉयड हो जाए, सेटिंग्स में हो जाए, कोई भी लैग को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है, काफी स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अबाउट फोन की अगर बात करें, तो ये जो रॉम है तो एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। वोल्टेज ओएस 3.2 का जो है ऑफिशियल बिल्ड है रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए। 5th फरवरी 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 4.14 कर्नल के साथ। प्लस ए जो बिल्ड है उसको एनफोर्सिंग वाला बिल्ड है,
तो सबसे पहले यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है Redmi Note 10 Pro जो डिवाइस है, जो 64 मेगापिक्सल डिवाइस है, उसमें वोल्टेज ओएस को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा इसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो अपलोड किया है। Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करो। कुछ कुछ एप्लीकेशन क्रैश कर जा रहा था उसे फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर जैसे आपको बताया है यूआई के ऊपर हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस कुछ इस तरह से यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को रन किया था इस रॉम के साथ, तो यहाँ पर जो है 3DMark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 1131 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। प्लस यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 566 मल्टी कोर के साथ जो है 1514 का स्कोर है। यहाँ पर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के साथ जो है काफी बढ़िया स्कोर देखने को मिलेगा। इवन Geekbench 6.2.2 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 751, मल्टी कोर के साथ जो है 1809 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। यहाँ पर Geekbench 6.2 के साथ भी सिंगल कोर मल्टी कोर के साथ जो है काफी बढ़िया स्कोर है। तो यहाँ पर 3DMark Geekbench 5, Geekbench 6.2 सभी के साथ जो है बढ़िया स्कोर देखने को मिल गया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट एक्सेप्टेड पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम करेगा इस रॉम के साथ। एनीवे यहाँ पर बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, ये जो फीचर से काफी यूजफुल है। प्लस नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है, डेटा डिजिबल आइकॉन, 4G आइकॉन, माइक कैमरा, लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन के साथ जो है फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, इरर वाइब्रेशन, डबल टैप टू स्लीप, रैपिड एनिमेशन, लॉक स्क्रीन, चार्जिंग इन्फो, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। थीम्स के साथ जो है मोनेंट सेटिंग्स कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। बटन्स के साथ जो है वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को वेकअप कर सकते हो, लेफ्ट साइड में सेलेक्ट कर पाओगे। क्विक सेटिंग्स के ऊपर ऑटो ब्राइटनेस आइकॉन, ब्राइटनेस स्लाइडर, डेटा यूजेस का ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन से क्विक सेटिंग्स पैनल को डिसेबल करने का ऑप्शन है। बात कर लेते हैं पर बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर जो है हर एक एप्लीकेशन के लिए आप जो रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट कर पाओगे, बैटरी टेम्परेचर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक शेड्यूल का ऑप्शन है, कस्टम शेड्यूल का ऑप्शन है, लिमिट चार्जिंग का जो फीचर से ऐड किया गया है। कस्टम शेड्यूल में क्या होगा, यहाँ पर रात के 10 PM से चार्जिंग स्टार्ट होगा, सुबह के जो है 6 AM तक जो है चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, इसे आप सिलेक्ट कर पाओगे। लिमिट चार्जिंग में क्या होगा, 80% होने के बाद जो है चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर चार्जिंग कंट्रोल का फीचर्स बढ़िया है। बैटरी यूजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन है काफी कम हमने नोटिस किया है। यहाँ पर हमारे यूजर्स के हिसाब से लगभग आपको 120 Hz के साथ जो है 6 आवर एंड 6.5 आवर से 7 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा, जो कि काफी सही है। बैटरी ड्रेन हमने लगभग यहाँ पर 5% के आसपास जो है नोटिस किया है। डेफिनेटली यूजर टू यूजर डिपेंड करते हैं। प्लस अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की यूज करके आपको ज्यादा भी ड्रेन देखने को मिलेगा बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पर ओवरऑल बैटरी बैकअप मेरे सबसे सही है, आपको यहाँ पर बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो सिंपली यहाँ पर टैप किया, ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पर थर्मल बबल का ऑप्शन है, ओटी अपडेट को चेक कर सकते हो, ओटी अपडेट का भी इंस्टॉल कर पाओगे। यहाँ पर जो है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, डबल टैप, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, 1 हैंडेड मोड, नेविगेशन मोड, क्विकली एनेबल टॉर्च का ऑप्शन है। सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो, एंड जो कि काफी यूजफुल है। क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, अगेन यहाँ पर जो है पावर बटन को डबल प्रेस करके आप जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर लोकेशन के रिलेटेड हमने कोई भी इशू को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर जो है फुल स्क्रीन ऐप्स का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, लाइव डिस्प्ले, नाइट लाइट, डार्क मोड, एक्स्ट्रा डिम, ऑटो ब्राइटनेस, ये सभी ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ जो है हैप्टिक फीडबैक को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। MI साउंड एनहांसर का ऑप्शन है, अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, अलग अलग प्रीसेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर सिम ऑन सिम टू के लिए अलग अलग रिंगटोन को सेट कर सकते हो, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर पाओगे। बाकी यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन है, फ्लैश नोटिफिकेशन, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, एनहांस नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन का ऑप्शन है। तो ऑलमोस्ट
वोल्टेज और इसके साथ सभी जो फीचर्स है आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो अपडेट है काफी सही अपडेट है, स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। तो डेफिनेटली वोल्टेज और इसको ट्राई करके देखो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर।